अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है 1.4 प्रीफिक्सेस। हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखेंगे प्रीफिक्सेस किसे कहते हैं, प्रीफिक्सेस का टेबल जो है वो डिस्कस करेंगे, और इसके हर प्रीफिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लायर जो है वो कैसे हम याद रख सकते हैं, वो हम ईजीएस्ट मेथड जो है वो देखेंगे, और एग्जांपल्स कुछ सॉल्व करेंगे कि अगर कोई क्वांटिटी हमारे पास मौजूद है तो उसको हम प्रीफिक्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट आर प्रीफिक्सेस। प्री का मतलब होता है बिफोर, फिक्सेस यानी कि फिक्स्ड वैल्यू है। इसका मतलब है इन जनरल अगर देखें कि फिक्स्ड वैल्यू बिफोर एसआई यूनिट्स। तो हम लोगों ने कोई ऐसे वर्ड्स या ऐसे लेटर्स जो हैं जिनको हम प्रीफिक्स का नेम देते हैं, जो कि हम लोगों ने यूज़ करने हैं बिफोर एसआई यूनिट। अब वो बेस यूनिट्स के भी बेस क्वांटिटीज़ के भी यूनिट्स के साथ आ सकती हैं प्रीफिक्सेस, और ड्राइव क्वांटिटीज़ के साथ भी, ड्राइव क्वांटिटीज़ के जो यूनिट हैं उनके साथ भी जो है वो प्रीफिक्सेस हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 20,000 ग्राम ये वैल्यू है, इसको हम लोगों ने प्रीफिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी कि हमारे पास ये जो जीरोज हैं, अगर मास ऑफ अर्थ की बात की जाए तो 6 × 10^24 है। अब इस 10^24 का मतलब ये है कि 6 लगाए और इसके साथ जो है वो 0000 सो ऑन जो है वो 24 जीरोज जो हैं वो लगाते जाए, तो ये वैल्यू बहुत बड़ी है। इसी वैल्यू को हम प्रीसाइज करके, छोटी करके जो है वो लिख सकते हैं। वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो सामने हमारे पास वैल्यू दिखाई देगी या उसको लिखने का जो मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा। तो ऐसे ही हम बहुत बड़ी वैल्यूज़ या बहुत छोटी वैल्यूज़ को जो है वो डिफरेंट मल्टीप्लायर यूज़ करके तो हम लोग छोटी वैल्यूज़ या प्रीसाइज मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं, प्रीसाइज वैल्यू के अंदर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको अगर लिखना चाहें हम लोग तो ये इसको लिखा जा सकता है 20 × 10^3 ग्राम। अब 10^3 अगर देखें तो यहाँ से ये है 10^3 किलो है प्रीफिक्स, उसका सिंबल है स्मॉल के, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 20 किलोग्राम। अब देखिए अगर इस वैल्यू पे देखें एक दफ़ा एक और इस वैल्यू को, ये भी वही चीज़ है, इसकी भी वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड जो है वो वही है, और ये भी, लेकिन ये तो छोटी वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू मास ऑफ अर्थ। अगर इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज हों तो उसको भी हम इसी सेम मेथड से जो है वो प्रीसाइज वैल्यूज़ के अंदर या छोटी वैल्यूज़ के अंदर हम लोग लिख सकते हैं। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जब हम लोग सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल जो सॉल्व करेंगे उनमें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ जो है वो प्रीफिक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे इनको प्रीफिक्सेस को। अब प्रीफिक्सेस क्या है जी, एसआई यूनिट से पहले हम कोई ना कोई वर्ड लगाते हैं वो हमारे पास प्रीफिक्स कहलाता है। डेफिनेशन आप लोगों की बुक के ऊपर लिखी है, प्रीफिक्सेस आर दी वर्ड्स आर लेटर एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स आर चेज किलो गीगा मेगा मिली। ये जो कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो कि मोस्टली यूज हम लोग करते हैं, किलो मेगा गीगा और मिली माइक्रो नैनो, ये प्रीफिक्सेस हम मोस्टली यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर। अब फर्स्ट हम लोग डेफिनेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ एक दफा, फिर एक दो पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग टेबल को डिस्कस करें। प्रीफिक्सेस हैं क्या, इसकी डेफिनेशन, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स सच एज, कौन कौन से वर्ड हैं वो एग्जाम्पल दी है उसने, किलो गीगा मेगा एटसेट्रा, कि वो वर्ड्स या वो लेटर्स
ये वर्ड्स या ये लेटर जो उसके सिंबल्स हैं वो जो एसआई यूनिट से बिफोर आते हैं वो सारे के सारे प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। अब इसके अंदर एक पॉइंट हम लोगों ने नोट करना है कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। ये हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके अंदर हमारे पास यूज़ होगा ये पॉइंट, या एग्जांपल अगर देखेंगे तो उसके अंदर भी ये पॉइंट जो है वो यूज़ होगा। कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, क्या मतलब कि हम प्रीफिक्स अगर यूज़ कर रहे हैं, दो प्रीफिक्सेस हम लोग एक ही वैल्यू के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इसके अगर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं तो ये होगी, अगर इसी को ले लें 20,000, मैं कहता हूँ मेगा ग्राम। मेगा इज एक्चुअली एक प्रीफिक्स है, उसका मल्टीप्लाई 10^6 है। मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 20 किलो मेगा ग्राम। ये भी प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है, ये हमारी रॉन्ग होगी। इसका मल्टीप्लायर पुट करें, फिर जो है आप मल्टीप्लायर के अंदर चेंज करें और फिर उनको आपस में ऐड करके जो नेक्स्ट मल्टीप्लायर बनता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी प्रीफिक्स है वो सिंगल प्रीफिक्स हमने यूज़ करनी है। कंपाउंड प्रीफिक्स जो हैं वो या दो प्रीफिक्स एक ही न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे टेबल को और इस टेबल को याद कैसे रख सकते हैं, चूँकि काफ़ी लेंथी टेबल है, इसमें से MCQs जो हैं वो आ जाते हैं या न्यूमेरिकल्स के अंदर वैल्यूज़ न्यूमेरिक वैल्यूज़ के अंदर साथ हम लोग यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो इजी वे है, सिर्फ आप लोगों ने एक सेंटेंस याद करना है, आप लोगों को सारा का सारा टेबल जो है वो याद हो जाएगा। पहले मैं टेबल को बता दूं कि प्रीफिक्सेस कुछ जो है बेसिक प्रीफिक्सेस दी हुई हैं टेबल के अंदर। टेबल आप लोगों के पास बुक के ऊपर 1.3 टेबल है। एक्सा है, उसके लिए सिंबल 10^18। हम लोग पूरा वर्ड नहीं लिखते न्यूमेरिक वैल्यूज़ के साथ, जैसे हमने किलो का सिर्फ और सिर्फ सिंबल लिखा था, के सिंबल आप लोगों को भी याद होना चाहिए और वर्ड जो है वो तो मस्ट याद होगा, तो फिर ही मल्टीप्लायर हम लोग पुट कर सकते हैं। एक्सा है, उसके लिए सिंबल ई है और मल्टीप्लायर 10^18 है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 20 एक्साग्राम, इसका मतलब है 20 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 10^18 के साथ। ओके तो ये ऐसे मल्टीप्लायर जो हैं वो यूज़ होंगे हमारे पास। ऐसे ही पेटा है तो 10^15, टेरा है 10^12 है, गीगा है 10^9 है, मेगा है 10^6 है। सिंबल्स ये कैपिटल पी, कैपिटल टी, कैपिटल जी और कैपिटल एम है। किलो के लिए स्मॉल के है 10^3 मल्टीप्लायर है, हेक्टो है उसके लिए स्मॉल एच है और मल्टीप्लायर 10^2 है, डेका है डी ए सिंबल और 10^1 और ये बेस है 10^0। ये बुक के अंदर टेबल के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन बेस जो है उसका मल्टीप्लाई 10^0 होता है और इसको हम 1 ही कहते हैं। मैथ के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 10^0 या किसी भी नंबर की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होती। डेसी नेक्स्ट आ जाएगी, माइनस के अंदर आप सारी की सारी प्रीफिक्सेस आएंगी और इसके लिए स्मॉल डी है 10^-1 मल्टीप्लायर, सेंटी है सी सिंबल स्मॉल और 10^-2 इसका मल्टीप्लायर, फिर मिली आ जाता है स्मॉल एम जो है वो इसका मल्टीप्लायर होगा 10^-3 इसके मल्टीप्लायर, और माइक्रो जो है वो इसका सिंबल म्यू और 10^-6 इसका मल्टीप्लायर, नैनो है इसके लिए सिंबल स्मॉल एन और 10^-9 जो है वो मल्टीप्लायर होगा, पीको का ये कैपिटल सॉरी स्मॉल पी और 10^-12 मल्टीप्लायर, फेमटो के लिए स्मॉल एफ और 10^-15 मल्टीप्लायर आ जाएगा, और लास्ट वन ऑटो है उसके लिए स्मॉल ए सिंबल और 10^-18 मल्टीप्लायर आ जाए। अब इस सारे के सारे सॉरी मेरा ना जुकाम हुआ है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। चलें इस सारे के सारे तकरीबन इस टेबल पूरे को याद रखने के लिए आप लोगों ने एक सेंटेंस याद रखना है। सेंटेंस क्या है, द ग्रेट मैन किंग हेनरीज
डॉटर बेथ ड्रिंक्स कोल्ड मिल्क अंटिल 9 PM। ये सेंटेंस सेम टू सेम आपने याद रखना है, जो कैपिटल में लिखा है मैंने पहला वाला वर्ड वो कैपिटल लिखना है, जो मैंने स्मॉल वर्ड्स लिखे हैं वो स्मॉल लिखने हैं। अब इसके अंदर हमारे पास तकरीबन यहाँ से लेकर 10 की पावर 12 से लेके पॉजिटिव 12 से लेके नेगेटिव 10 की पावर -12 तक जो है वो प्रीफिक्सेस सारी की सारी याद हो जाएंगी। अब देखें, ये टी है टी फॉर टेरा, ये जी है कैपिटल जी है जी फॉर गीगा, ये कैपिटल एम है तो एम फॉर मेगा, ये स्मॉल के है तो हमारे पास किलो आ जाएगा, स्मॉल एच हेक्टो, डी ए डेका, और बी जो है बेथ का बी जो है वो बेस को शो कर रहा है, डी अगेन ड्रिंक्स का डी जो है वो डेसी को, और हमारे पास ये जो सी है ये सेंटी को, ये हमारा मिल्क का जो स्मॉल एम है ये मिली को, ये जो माइक्रो का सिंबल मैंने बनाया है यू, वैसे आते हैं अंटिल के अंदर तो हमने यू ऐसे जो सिंबल इसका है माइक्रो का वो हमने लिखना है, और ये नाइन के अंदर जो एन है वो नैनो, और ये हमारे पास पी एम है तो स्मॉल पी किसके लिए सिंबल यूज़ किया हमने, पीको के लिए। तो अगर हम लोग देखें कि ये 10 की पावर 12 से लेके 10 की पावर -12 तक सारी की सारी जो प्रीफिक्सेस हैं वो इसी एक सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं। अब मैं इसका जो प्रीफिक्स वर्ड होगा वो मैं नीचे लिखता जाऊंगा हर लेटर के नीचे, और ऊपर जो है वो उसका मल्टीप्लायर लिख लेंगे। अब टी है तो यहाँ पे मैं टेरा लिख देता हूँ, टी मीन्स टेरा याद रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ, जी फॉर गीगा, एम फॉर मेगा, स्मॉल के फॉर किलो, ओके नेक्स्ट स्मॉल एच है तो हमारे पास हेक्टो, ऐसे ही डी ए है तो डी ए के लिए हम लोगों ने डेका, बी बेस, ये आप लोग बेथ को वैसे याद रख लें, अगर जो है इसके बेस याद रखनी है उसका मल्टीप्लाई याद रखना है तो कर लें, अदरवाइज इसका कोई यूज़ ऐसा है नहीं हमारी इस नाइन्थ क्लास के अंदर। ड्रिंक्स का अंदर जो डी स्मॉल डी हम मैंने बताया था कि वो डेसी को शो कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डेसी, स्मॉल सी सेंटी को, स्मॉल एम मिली को, और ये माइक्रो का सिंबल है तो माइक्रो, नैनो और पीको, ओके ये सारे के सारे मैंने उनके वर्ड जो हैं वो नीचे लिख दिए हैं हर लेटर के हर अल्फ़ाबेट के नीचे उसका प्रीफिक्स, और ऊपर जो है वो मैं मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ रेड से लिख देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर लें। अब मल्टीप्लायर याद रखने का तरीका क्या है, टेरा है इसको याद रख लें 10 की पावर 12। अब जैसे मैंने बताया कि इस सेंटेंस के अंदर हमने 10 की पावर पॉजिटिव 12 से लेकर 10 की पावर -12 तक जाना है। अब जाना कैसे है, 10 की पावर पॉजिटिव 12 है इसके अंदर 3 माइनस कर दें तो 12 में से 3 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, इसके बाद फिर 3 माइनस कर दें फिर 6 आ जाएगा, इसके बाद फिर 3 माइनस कर दें 10 की पावर 3 आ जाएगा। अब एक एक सिंगल सिंगल माइनस करते जाना, अब जो है वो 10 की पावर 2 एक माइनस करना है, 1 माइनस करना है इस, फिर 1 माइनस करें 10 की पावर 1, फिर माइनस करेंगे 10 की पावर 0 जो कि बेस के लिए मल्टीप्लायर था, इसको याद रखें या ना रखें ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, ये यूज़ नहीं हम लोग करेंगे। डेसी जो है 10 की पावर, अब फिर जो है हम लोगों ने इसी के अंदर माइनस करते जाना है 1, जैसे 2 में से माइनस किया 1 तो 1 आ गया, 1 में से माइनस किया 0, 0 में से माइनस करेंगे -1 आ जाएगा, फिर इसके इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 की पावर -2 आ जाएगा, इसके बाद फिर 1 माइनस करेंगे तो -3, हमें पता है ना कि -2 में से माइनस करेंगे 1 तो ये चूँकि साइन सेम है दोनों के तो प्लस होंगे 3 आ जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आना है बड़े डिजिट का तो वो माइनस है तो -3।
तो ऐसे आप लोगों ने इसके अंदर जो है वो माइनस करते जाना है। फिर माइनस थ्री तक जब आगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था कि थ्री माइनस किए थे, अब ऐसे ही टेन की पावर माइनस थ्री से नेक्स्ट जो है वो थ्री माइनस करने, तो माइनस थ्री आंसर क्या आएगा, माइनस थ्री में से माइनस थ्री माइनस करना है तो ये माइनस सिक्स आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टेन की पावर माइनस सिक्स, यहाँ पे अगेन थ्री जो है वो माइनस करेंगे तो टेन की पावर माइनस नाइन। ले जी, ये एक सेंटेंस के अंदर हम लोगों ने प्रीफिक्स वर्ड भी याद रख लिए। प्रीफिक्स, हर प्रीफिक्स वर्ड का सिंबल क्या है, टेरा है, वर्ड है, इसके लिए सिंबल कैपिटल डी है, इसका मल्टीप्लाई टेन की पावर ट्वेल्व है। फिर फर्दर क्या करना है, इसमें से तीन माइनस कर देने, ट्वेल्व माइनस थ्री नाइन, नाइन माइनस थ्री सिक्स, सिक्स माइनस थ्री थ्री, पहली चार टर्म्स आप लोगों ने थ्री माइनस करना है, उसके बाद वन माइनस करते जाना है, थ्री में से वन माइनस किया टू आ गया, टू में से वन माइनस करेंगे वन आ जाएगा, वन में से वन माइनस करेंगे जीरो, जीरो में से वन माइनस करेंगे तो माइनस वन, माइनस वन में से वन माइनस करेंगे तो माइनस टू, माइनस टू में से वन माइनस करेंगे तो माइनस थ्री, और माइनस थ्री में नेक्स्ट फिर जो है नेक्स्ट तीन टर्म जो है उसके अंदर थ्री जो है थ्री डिजिट कम करने हैं, माइनस थ्री के में से थ्री माइनस करेंगे तो माइनस सिक्स आ जाएगा, माइनस सिक्स में से अगेन थ्री माइनस करेंगे तो माइनस नाइन आ जाएगा, और माइनस नाइन में से अगेन थ्री माइनस करेंगे तो टेन के पास माइनस ट्वेल्व। तो सेंटेंस क्या है, द ग्रेट मैन किंग हेनरीज डॉटर बेथ ड्रिंक्स कोल्ड मिल्क अंटिल नाइन पीएम। तो ये सेंटेंस आप लोग अगर याद रख लें तो आपका जो है वो ऑलमोस्ट टेबल आप लोगों का याद हो जाएगा। ओके, ये तो हो गया कि प्रीफिक्सेस क्या थी, द वर्ड्स आर लेटर एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स, अब वो कौन कौन से हैं, सच एज किलो, गीगा, मेगा, मिली एटसेट्रा, ये सारी की सारी इसके एग्जांपल्स हो गई। फिर टेबल हम लोग ने डिस्कस कर लिया, टेबल याद कैसे रखना है, टेबल के अंदर चीज़ें कौन कौन सी याद करनी है, प्रीफिक्स आपको अगर मेगा बोला जाए तो आपको उसका सिंबल भी पता होना चाहिए और उसका मल्टीप्लायर भी पता होना चाहिए, और इस सेंटेंस से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि आप लोगों की बुक के ऊपर मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल उसने कहा है कि फर्स्ट एग्जांपल उसने दी है, ये क्वांटिटी उसने आई थिंक ग्राम में दी, मीटर पर सेकंड, स्पीड जो है उसने दी है किसी बॉडी की, इसको जो है प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखना है। अब प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास 10 की पावर आए, अगर 10 की पावर 1 आ जाए, 10 की पावर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9, या 10 की पावर के अंदर हमारे पास कोई मल्टीप्लायर आना चाहिए। अब उसको इसको मल्टीप्लायर की फॉर्म में चेंज करने के लिए, जैसे हमने फर्स्ट मैंने एग्जांपल दी थी कि 20,000 है, उसको हम लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, वो 10 की पावर 3 कैसे आई थी ये फर्स्ट अंडरस्टैंड कर लें। हमारे पास उसी की मैं दोबारा एग्जांपल दे देता हूँ, फिर उसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, 20,000 ग्राम, मैंने इसको लिखा था 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, कैसे लिखा। अब यहाँ पे जिस जो वर्ड जो है जो डिजिट होल डिजिट्स हो उसके हमें पता है कि एक्सट्रीम राइट पे पॉइंट होते हैं। अब इस पॉइंट को अगर तो आप लोग लेफ्ट साइड पे मूव करवाते हो तो 10 की पावर हमारी पॉजिटिव में आएगी, किस में आएगी, पॉजिटिव में। जैसे मैंने मूव करवाया, यहाँ से मूव करवाया कहाँ पे, यहाँ पर, ये एक डिजिट जंप किया, दो डिजिट जंप किए, तीन डिजिट, जितने डिजिट्स जंप करेंगे उतनी पावर आएगी। फिर पॉजिटिव कब बनी है और नेगेटिव कब बनी है, अगर हम लोग लेफ्ट वर्ड जाएंगे तो 10 की पावर किस में होगी, पॉजिटिव के अंदर। ऐसे एक और एग्जांपल देख लें कि 0.002 ग्राम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने अब पॉइंट ये है, अब प्रीफिक्स पॉइंट लेके कहाँ पे जाना है, कोशिश ये करनी है, फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी कि पॉइंट के लेफ्ट वर्ड्स नॉन ज़ीरो डिजिट हो, क्या हो, नॉन ज़ीरो डिजिट हो। अब नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो आ जाए और जो मल्टीप्लायर हो मे बी वो हमारे इस टेबल के अंदर ना हो, तो हम उसको इस तरह से पॉइंट को मूव करेंगे कि लेफ्ट साइड पे हो भी नॉन डिजिट,
नॉन जीरो डिजिट हो और हमारा जो नेक्स्ट मल्टीप्लायर बन रहा हो, जैसे 10³ बना, तो नेक्स्ट जो मल्टीप्लायर बन रहा है वो भी उस टेबल के अंदर मौजूद हो, उसके प्रीफिक्स हमारे पास मौजूद हो। ओके, पहले अब देखते हैं कि इसको हमने क्या करना है। हमने क्या करना है जी, पॉइंट के लेफ्ट वर्ड क्या होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट। अगर हमने इस क्वांटिटी को प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखना है तो मस्ट है कि पॉइंट हमारा कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे। कितने डिजिट्स को जंप करेंगे, 1, 2, 3। अब चूंकि पॉइंट राइट वर्ड्स जाएगा तो पावर हमारी नेगेटिव में आएगी। किस में आएगी, नेगेटिव। कितनी पावर आएगी, जितने वो डिजिट्स जंप करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10³⁻³ ग्राम। ओके, समझ आ जानी चाहिए कि पॉइंट को आप लेफ्ट वर्ड मूव करोगे पावर पॉजिटिव में आएगी। कितनी पावर आएगी, जितने डिजिट्स जंप किए। और अगर पॉइंट को राइटवर्ड्स मूव करोगे तो पावर किस में आएगी, नेगेटिव में। कितनी आएगी, फिर अगेन जितने डिजिट्स पॉइंट ने जंप किए होंगे उतनी। अब जो मैंने पहले बात की थी कि हम लोगों ने ये भी ध्यान में रखना है कि हमारा जो मल्टीप्लायर हो वो उस टेबल या उस मल्टीप्लायर की कोई ना कोई प्रीफिक्स हमारे पास मौजूद हो। अगर कोई बच्चा ये करता है कि पॉइंट को जो है वो यहाँ की बजाय यहाँ पे ले जाते, यहाँ पे लेके आ गया, फिर क्या होगा, पॉइंट ने कितने डिजिट जंप किया, अब 4 डिजिट्स तो आएगा 2 × 10⁴ ग्राम। लेकिन 10⁴ का तो हमारे पास कोई प्रीफिक्स है ही नहीं। कोशिश ये करनी है कि एक तो पॉइंट के लेफ्ट वर्ड नॉन जीरो डिजिट हो, नॉन जीरो के का मतलब यह है कि जीरो ना हो, 1 हो 2 हो 3 हो 10 भी हो सकता है, 11 हो सकता है, 20 हो सकता है। जैसे इसकी इसी एग्जांपल के अंदर हमारे पास 20 है, पॉइंट हमारा यहाँ पे है, नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। और इस तरह से मूव करना है कि हमारा जो मल्टीप्लायर हो वो भी उस टेबल के अंदर मौजूद हो, उसकी भी प्रीफिक्स हमारे पास मौजूद हो। तो अब इसको हम लोग इजीली लिख सकते हैं, 20 × 10³ ग्राम है, 10³ को हम लोग किलो लिख सकते हैं, तो 20 स्मॉल के उसका सिंबल आ जाएगा किलोग्राम। ऐसे हम प्रीफिक्स के अंदर इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसी सारे मेथड को हमने अप्लाई करना है इन एग्जांपल्स के ऊपर। ये भी अरेंज कर देता हूँ, कोई आई थिंक 6 एग्जांपल्स हैं बुक के ऊपर, तो वो सारी की सारी हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ओके, अब ये होल नंबर है, पॉइंट इसके अंदर नहीं है, मुकम्मल डिजिट है, तो इसका पॉइंट जो है वो यहाँ पे होगा। अब ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि पॉइंट हमारा किस तरफ जाएगा, लेफ्ट वर्ड किस तरफ जाएगा, लेफ्ट वर्ड्स जाएगा, पावर पॉजिटिव में आएगा। कितना लेके जाना है, कितने डिजिट क्रॉस करने हैं, हम लोग 10³ यानी कि 3 डिजिट्स भी क्रॉस कर सकते हैं, 2 डिजिट्स भी क्रॉस कर सकते हैं, 1 भी क्रॉस कर सकते हैं, 6 भी। जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी वो हम लोगों ने पूरी करनी है। किस तरह से पूरी करनी है, अब ऐसे भी हो सकता है कि ये 6 के 6 डिजिट क्रॉस करके यहाँ पे चला जाए, लेकिन फिर लेफ्ट वर्ड जो है वो 0 आ जाएगा। लेकिन हमने कहा है कि नॉन जीरो डिजिट नहीं होना चाहिए, फिर मस्ट है ये यहाँ पे है। लेकिन फिर कितने डिजिट्स क्रॉस करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, और 10⁵ वाले हमारे पास कोई प्रीफिक्स ही नहीं। ऐसे ही अगर यहाँ पे आए तो 4 डिजिट्स क्रॉस करेगा, और 10⁴ वाले भी कोई प्रीफिक्स हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए मस्ट है ये यहाँ पर आए। तो हम लोग इसी पॉइंट को उठा के यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे, 1, 2, 3 लेफ्ट वर्ड्स पॉइंट मूव किया, 200 × 10⁴ कितनी आई, कितने डिजिट जंप किए, 1, 2, 3 3 डिजिट जंप किए, किस तरफ, लेफ्ट वर्ड्स, तो पॉजिटिव में पावर आएगी। किस में आएगी, पॉजिटिव में, 7 यूनिट वैसे ही मीटर पर सेकंड। तो हम लोग 10³ का अब इस टेबल के अंदर देख लेंगे, किलो है तो हम लोग कहेंगे 200 किलोमीटर पर सेकंड। ये प्रीफिक्स की फॉर्म में हमने लिख दिया इस वैल्यू को। अब सेकंड एग्जांपल उसने दी है,
4800000 वाट, इसको जो है वो हमने कन्वर्ट करना है। अगेन होल नंबर यहाँ पे पॉइंट होगा, हम कितने मूव कर सकते हैं, 3 और ये 6 7, लेकिन 10^7 वाला कोई है ही नहीं हमारे पास। लेफ्टवर्ड भी मूव करना है ना, तो पॉजिटिव में देख के 10^7 वाला हमारे पास है ही नहीं, 6 वाला है। इसका मतलब है कि हम लोग 1 2 3 4 5 6 यहाँ से उठा के, तो यहाँ पर अगर पॉइंट ले आए तो ये हमारे लिए जो है वो बेस्ट होगा, और हम इस जो क्वांटिटी को प्रीफिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 4.8 मल्टीप्लाई पॉइंट यहाँ से आ गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई 10^ कितनी, 1 2 3 4 5 6 6 वाट। अब 10^6 जो है उसके प्रीफिक्स देखें, मेगा है, सिंबल क्या है, कैपिटल एम है, तो हम लोग कहेंगे 4.8 मेगा वाट। ओके, इसके साथ उसने थर्ड एग्जांपल भी बहुत इजी है, वो भी ऐसे ही होल नंबर है, इसको भी आप लोगों ने कन्वर्ट खुद कर लेना है। अब इसके बाद फोर्थ देखते हैं, फोर्थ उसने दी है, थर्ड में लिख रहा हूं डू योर सेल्फ, थर्ड एग्जांपल, और ये पेज नंबर है आप लोगों का 7 आई थिंक, हाँ जी 7 ही है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है 0.0002 0.402 है ग्राम, 4 वाला 0.402 ग्राम, इसको मल्टीप्लायर की फॉर्म में लिखें, सॉरी प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखें। अब प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखने के लिए मस्ट है कि पॉइंट के लेफ्ट वर्ड्स नॉन जीरो डिजिट हो, क्या पॉसिबिलिटी है, यानी कि हमारा पॉइंट यहाँ से आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन 1 2 3 4 5 ये तो 5 बन रही है, पावर 10^5 है कि जो कि हमारे पास मौजूद ही नहीं इधर। अब हम लोग चूंकि राइट वर्ड आएंगे, पॉइंट राइट वर्ड आएगा तो नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव में देखिए -3 है, -6 है, फिर हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है अगर किसी भी क्वांटिटी के अंदर पॉइंट मौजूद हो तो उस पॉइंट के बाद जितनी भी क्वांटिटीज आ रही हैं, जितनी भी वैल्यू आ रही है, लास्ट पे हम जितने मर्जी जीरो लगाते जाएं, यानी कि इससे नेक्स्ट में 0.0002000 ये जितने भी जीरो लगाऊंगा ये सारे के सारे जीरो कोई भी वैल्यू नहीं रखते। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी आसानी के लिए ये करेंगे कि 0.402 है ग्राम, मैं पॉइंट जो है वो यहाँ की बजाय यहाँ पे एक जीरो लगाऊंगा और यहाँ पर लेके आऊंगा यहाँ से ये पॉइंट आ गया 1 2 3 4 5 बल्कि ये मिस हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 यानी कि 20 × 10^-6 ग्राम। माइनस के अंदर क्यों आई, चूंकि पॉइंट हमारा राइट वर्ड्स मूव कर रहा था, किस तरह मूव कर रहा था, राइट वर्ड्स। अब 10^-6 देखें तो वो माइक्रो है हमारे पास, तो हम लोग लिखेंगे 20 μg। इस तरह हम लोग बहुत छोटी वैल्यू को प्रीसाइज करके लिख सकते हैं या बहुत बड़ी वैल्यूज़ को प्रीसाइज करके यूजिंग प्रीफिक्सेस हम लोग लिख सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, हम लोगों ने आज पढ़ा प्रीफिक्स किसे कहते हैं डेफिनेशन, और उसके बाद प्रीफिक्सेस का टेबल, हमने पॉइंट एक जो देखा था कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, दो प्रीफिक्सेस जो हैं वो एक ही क्वांटिटी के अंदर यूज नहीं हो सकती, उसकी एग्जांपल यहाँ पे तो नहीं दी हुई। चले मैं आप लोगों को उसकी एक एग्जांपल करवा देता हूँ, 200 और यहाँ पे चले 2000 μg। अब क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ से कोई बचा कहे कि ये मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 × 10^3 μg, तो ये आ जाएगा 2 किलो μg, दैट्स रॉन्ग, ये उसने क्वेश्चन गलत कर दिया है। क्या करना है, इसको पहले, इसको पॉइंट को भी ना छेड़े, पॉइंट की से पहले आप लोग ये लिखें, ये मेगा जो है उसका मल्टीप्लायर देखें कितना, 10^6 है जी,
इसी को हम करेंगे 2000 मल्टीप्लाई 10 के पावर 6। ओके, अब पॉइंट को मूव करवा लें, पॉइंट यहाँ पे था, पॉइंट यहाँ पे आ गया जी, फिर आएगी वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 10 के पावर 3 और ये भी साथ मल्टीप्लाई 10 के पावर 6 ग्राम। मैथ के अंदर हमने पढ़ा कि हमारे पास अगर बेस बराबर हो तो पावर्स आपस में क्या होती हैं, ऐड हो जाते हैं। तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 10 के पावर 3 प्लस 6 ग्राम, ये क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 के पावर 9 ग्राम। अब 10 की पावर 9 देखें तो ये एक सिंगल प्रीफिक्स हमारे पास मौजूद है गीगा, तो हम लोग लिखेंगे 2 गीगा ग्राम। ओके, किलो मेगा ग्राम नहीं बल्कि उन दोनों के मल्टीप्लायर से पुट करें, जो प्रीफिक्स पहले से मौजूद है उसका मल्टीप्लायर पुट करें और नेक्स्ट जो भी आप जितने भी डिजिट्स मूव करवाते हैं आपस में बेस देखें अगर तो बराबर हैं ऐड अप कर दें, अगर उनके पावर्स के साइन सेम होंगे तो ऐड अप होंगे, अगर जो है वो डिफरेंट होंगे तो फिर माइनस होंगे, जो भी नेक्स्ट आंसर आता है उसके लिहाज से सिंगल प्रीफिक्स हम लोगों ने यूज़ करने हैं। ये आज का हमारा आर्टिकल था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी चीज़ की समझ ना आई हो इस लेक्चर के अंदर, किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को चैनल मेरे को सब्सक्राइब भी करें और नेक्स्ट शेयर भी करें दूसरे दोस्तों के साथ, बाकी स्टूडेंट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।